दिसंबर की 9 तारीख को हर साल मुल्क में मनाए जाने वाले एंटी करप्शन डे के सिलसिले में आज शहर हैदराबाद के तुलबा व तालिबात ने एक रैली मुनज़्ज़म की। ज़िला कलेक्टर हैदराबाद श्रीमती योगिता राणा ने इस रैली में शिरकत करते हुए बच्चों को समझाया कि मुल्क को आगे बढ़ाना है तो यहाँ से सबसे पहले रिश्वत को हटाना पड़ेगा। मौजूदा माहौल में चोरी छुपे रिश्वत सतानी इतनी बढ़ गई है कि अब हर एक का फरीजा बन गया है कि वो सर जोड़ कर एक दूसरे का साथ लेते हुए उसके खिलाफ में आवाज़ उठाए और जड़ से इसे ख़त्म करने की कोशिश करे। इस मौके पर DPRO मोहतरमा रमा देवी के साथ साथ महकुमे के एक आला अहदेदार भी उनके साथ मौजूद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम और हल्के हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी ने आज अपने हलके की आवाम की देरीना शिकायत के पेश नज़र रियासत तेलंगाना की RTC के आला अहदेदारों से मुलाकात करते हुए हल्के हैदराबाद के अंदरूनी इलाकों में उनकी खिदमात पर तबादले ख्याल किया। वाज़े हो कि मुल्क की शोहरत याफ्ता TSRTC की खिदमात पुराने शहर के अंदरूनी इलाकों में बिल्कुल नहीं के बराबर है। बराहे तालाब कट्टा और उसके अंदरूनी इलाकों में तो सालों से लोग ऑटो वालों से बेजारगी का शिकार हैं। सदर मोहतरम ने इस मौके पर मुतालबा किया कि जल्द से जल्द पहले RTC का बंदोबस्त किया जाए ताकि अंदरूनी इलाकों की आवाम की आमद रफ्त में आसानियाँ पैदा हो सकें। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांसा ऑफर्स भी। वाव, नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मजम जाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद में प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ में देरीना मुहिम के चलते आज GHMC के अहदेदारों ने शहर की कुछ फलाही तंजीमों के इश्तराक से कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत तारनाका की लालापेट फ्लाईओवर रोड पर अवामी शऊर बेदारी रैली का अहतमाम किया। मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स के तुलबा व तालिबात, सीनियर सिटीजन्स, ट्रैफिक पुलिस के कई आला अहदेदारों के साथ साथ वाऊ टीम के लोग भी उस रैली में शिरकत किए और लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि प्लास्टिक बैग्स में लाई ले जाने वाली चीज़ें इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर बन जाती हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम और हल्के हैदराबाद के शोहरत याफ्ता MP नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में RSS के चीफ मोहन भागवत के हालिया दिनों में कर्नाटक में राम मंदिर के ताल्लुक से दिए गए बयान को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि जो मामला अदालत में जेरे दौरा है उसके सिलसिले में आम आवाम कैसे फैसला कर सकती है। RSS चीफ का बयान तो खुला खुला अदालत को चैलेंज है और भारतीय होकर अपने ही कवानीन को रेजा रेजा करने वाला साबित हो रहा है। वाज़े हो कि अगर इस तरह की बयानबाजी अगर कोई अकलियती फ़िरके का फ़र्द करता तो वो भारत का गद्दार हो जाता है ना। शहर हैदराबाद की एडिशनल DCP क्राइम्स श्रीमती स्वाति लकरा ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि शहर के जहनी तौर पर कमज़ोर बच्चे जो बेख्याली में कोई जुर्म कर बैठते हैं उनकी तरबियत के लिए एक अनोखा कोड अमल में लाया जा रहा है जो कि पॉस्को एक्ट 2012 के तहत काम करेगा। जिनसी हिरासानी, घरेलू तनाज़ात का शिकार ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ की पामाली इस कोर्ट के ज़रिए से बचाई जाएगी। इसकी इब्तदा सबसे पहले राजधानी दिल्ली में की गई थी। एडिशनल DCP की ख्वाहिश पर मुल्क में पहली बार इसकी शुरुआत हैदराबाद में होने जा रही है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल PC और लैपटॉप्स 5-6 हजार के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा जी CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राबता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम नकीब बिला लिहाज व मजहब मिल्लत जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी की फलाही खिदमात के जुमरे में
آج حلقہ حیدرآباد کی ایک شخصیت سی پرکاش نامی ایک نوجوان اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کے قابل بن گیا ہے۔ تفصیلات کے بموجب سی پرکاش نامی اس شخص کو 1989 میں ایک حادثہ پیش آیا تھا اور اس نے اپنے دونوں پیر کھو دیے تھے اور معذور ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا تھا۔ صدر محترم نے ایم پی لیٹ سے لاکھوں کے خرچے پر جرمنی سے مصنوعی پیر منگوا کر اس کی مدد کی اور اسے دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا۔ لہذا آج سی پرکاش نے اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ صدر محترم سے ملاقات کر کے ان کا بے حد شکریہ ادا کیا اور بہت ساری دعائیں بھی دیں۔ ریاست تلنگانہ کی ٹی آر ایس حکومت سارے ہی مذاہب کا بے حد احترام کرتی ہے، اس کی ایک زندہ مثال آج دیکھنے کو ملی۔ شہر حیدرآباد میں تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ جناب محمد محمود علی نے آج عیسائیوں کے ایک نئے بھون کی سنگ بنیاد رکھی۔ اس کرسچن بھون کی سنگ بنیاد تقریب میں ٹی ایس ایم ایف سی کے چیئرمین جناب سید اکبر حسین، ملکاجگری کے ایم پی مل ریڈی، ایم ایل اے کنکا ریڈی، بابو موہن ایم ایل اے، ایم ایل سی فاروق حسین، حکومت تلنگانہ کے ایڈوائزر اے کے خان کے ساتھ ساتھ کرسچن سوسائٹی کے بہت سارے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ملکہ فرنیچر، معیاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر۔ برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش، معیاری اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا اس کا مکمل فرنیچر سیٹ 20 سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ ملکہ فرنیچر روبرو والٹا ہوٹل مغل پورہ حیدرآباد۔ ضلع کلکٹر حیدرآباد محترمہ یوگیتا رانا کی صدارت میں آج شہر کے صحافیوں کے دیرینہ مطلوب ایکریڈیشن کارڈز کے سلسلے میں ایک بیٹھک بلائی گئی، جس میں ڈی پی آر او کے ساتھ ساتھ بہت سارے متعلقہ لوگوں نے شرکت۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے فوراً اس سلسلے میں ایکشن لینے کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ اجلاس کے بعد شہر حیدرآباد کے صحافیوں کا اہم پینڈنگ ایکریڈیشن کارڈز کا مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ شہر حیدرآباد کی حبیب نگر پولیس کے انسپکٹر شری پی مدھوکر سوامی نے آج ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے اپنے ٹیم کے ہمراہ نام پلی کے مرغی بازار میں واقع ایک مکان پر دھاوا کر کے بین کیے گئے گٹکے کے کثیر ذخیرے کو برآمد کر ضبط کر لیا ہے، جس کی مارکیٹ میں قیمت 5 لاکھ روپے بتائی گئی۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ تاحال مختلف جگہوں پر دھاوے کر کے قریب 1 کروڑ کے بین کیے گئے گٹکے کے ذخیروں کو ضبط کیا گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے حیدرآباد میں واقع ملک کا شہرت یافتہ حج ہاؤس کا نظارہ آج قابل دید رہا۔ حج 2018 کے درخواست فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ کے چلتے آج وہاں پر کچھ زیادہ ہی لوگ جمع ہو گئے، جہاں جگہ کی قلت کا سامنا کرتے ہوئے ان میں دھکم پیل ہو گئی۔ معمر بزرگ حضرات کافی دیر تک کھڑے نظر آئے، جس سے ثابت ہوا کہ حج ہاؤس کا نظم انتہائی بگڑا ہوا ہے۔ کرسیوں کی حالت زار بتا رہی تھی کہ جگہ جگہ پرندوں کی بیٹ نے لوگوں کو بیٹھنے نہیں دیا، سارا ہی ماحول بگڑا ہوا نظر آیا۔ سارے ہی عہدیداروں کو سدھارنے کی شدید ضرورت بھی نظر آئی، جبکہ کچھ لوگوں نے اس موقع پر میڈیا کے روبرو اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کر ڈالا۔ ویسے شہر میں بلدیہ پہلے ہی سے بدنام تھی، اب کیا حج ہاؤس بھی اس کا ساتھ دینا چاہ رہا ہے؟ واضح ہو کہ اقلیتوں کے سلسلے کا قلمدان ریاست کے سی ایم کے سی آر خود اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کی راس نگرانی نائب وزیر اعلیٰ جناب محمد محمود علی صاحب کرتے ہیں۔ شوق بڑی چیز ہے، خوشیاں دور نہیں۔ عالم پناہ کریشنز، خوش رہو۔ عالم پناہ شیروانی ہاؤس، خوبصورت لباس کی شان، عمدہ شیروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز۔ جی ہاں، عالم پناہ، سب کی زبان پر ایک ہی نام، عالم پناہ، عالم پناہ، عالم پناہ۔ خوب ہے جان، بلند ہے معیار، رواجی ملبوسات کا فیشن عالم پناہ سے زیادہ کوئی نہ جانے۔ ڈیزائنر شیروانی، سوٹس، پٹھانی، کرتا پاجامہ اور کڈس ویئر، ایبسلوٹلی ورلڈ کلاس۔ عالم پناہ بیسائڈ چو محلہ پیلس، خلوت اسکوائر، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 0402450-1565۔ ریاست تلنگانہ کے شہرت یافتہ ضلع کوڑنگل سے خبر ہے کہ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ ڈاکٹر پی مہندر ریڈی کے دورے کے موقع پر
कई सियासी पार्टी के लोगों ने आज टीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। वजीर मौसूफ ने खंडवा पहनाकर उन्हें टीआरएस में खुशामदीद कहा। इस मौके पर कोड़ंगल टीआरएस के कई इलाकाई लीडर्स वहां पर मौजूद थे। राम भक्त के हाथों शहीद की गई बाबरी मस्जिद की 6 दिसंबर को मनाई जाने वाली सालाना बरसी के नाजुक मौके पर शहर हैदराबाद के पुराने हसास इलाकों में साउथ जोन पुलिस के करीब 500 लोगों ने डीसीपी श्री सत्यनारायण की सदारत में आज फ्लैग मार्च किया और आवाम को पुरअमन रहने की ताकीद की। वाजे हो कि शहर हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर ने 6 दिसंबर के इस हसास मौके पर सेक्शन 144 लगा दिया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हलके बहादुरपुरा के एमएलए जनाब मोहम्मद मौजम खान ने आज शमशीरगंज में वाक़े क्रिस्टल गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िदा एक तकरीब में हुकूमत की शादी मुबारक स्कीम के करीब 413 चेक्स गरीब खवातीन में तकसीम किए, जिनकी कुल रकम 2,58,00,000 बताई गई है। इस मौके पर मजलिस के कई कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर व मुतमदीन और कई सरगर्म कारकुन भी वहाँ पर मौजूद। रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर ने हालिया दिनों में असेंबली के चलते बयान दिया था कि सभी अकलियतों को SC/ST की तरह की मराहत दी जाएंगी। इस सिलसिले में तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब सैयद अकबर हुसैन ने आज मीडिया के रूबरू इस सिलसिले की तमाम तफसीलात बताई। हमारे मुल्क में हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। इस सिलसिले में विशाखापट्टनम में नेवी के लोगों ने एक रंगारंग तकरीब का अहतमाम करके आवाम को नेवी की कारकर्दगी बतलाई, जिससे वहां पर मौजूद सारे ही लोग मबहूत हो गए। हैदराबाद मेट्रो रेल ओल्ड सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों ने आज अपनी एक बैठक में मीडिया के रूबरू टीआरएस हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि पुराने शहर के बेशतर इलाकों में साबिका हुकूमत ने मेट्रो रेल को भी नक्शे में रखा था, लेकिन पता नहीं हुकूमत किसके बहकावे में आ गई और ओल्ड सिटी से मेट्रो रेल को निकाल ही दिया, जिससे ओल्ड सिटी का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों ने आगे बताया कि अगर हुकूमत पुराने शहर में मेट्रो रेल लाने के सिलसिले में कोई फैसला जल्द नहीं कर पाती है तो सारी ही पार्टियों के लोग एहतजाज शुरू कर देंगे। शहर हैदराबाद की शोहरत याफ्ता उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तनाज़ात के चलते आज कई तालिबे इल्मों ने पुलिस जुल्म के खिलाफ ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि पुलिस ने उनके साथ भी मारतोड़ की है, जो कि एहतजाज में शामिल नहीं थे। शहर हैदराबाद के मसरूफ इलाके पंजागुट्टा की मेन रोड पर हालिया दिनों में आधी रात के वक्त बाइक पर सवार 2 नौजवान घर वापसी के दौरान किसी गाड़ी के टक्कर मारने से हादसे का शिकार हो गए। एक नौजवान ने मौके वारदात पर ही दम तोड़ दिया था और दूसरे का शदीद जख्मी हालत में केयर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उनके वालिद ने आज मीडिया के रूबरू पंजागुट्टा पुलिस की शिकायत की कि ताहाल अभी तक केस की जांच आगे नहीं बढ़ी है, जबकि वहां पर हर तरफ CCTV कैमराज लगवाए गए हैं। पूछने पर बताया जाता है कि कैमराज खराब हो गए हैं। लाखों के सर्वे से लगाए गए CCTV कैमराज पुलिस ने लगवा तो दिए, लेकिन उनकी निगरानी का कोई खास इंतजाम नहीं रखा। बहरहाल CCTV कैमराज कंपनी बड़े मजे में आ गई है और आवाम के हालात बदस्तूर वही के वही हैं जो पहले थे। अब बताइए हमारा भारत तरक्की कैसे करेगा। शहर हैदराबाद में मंदिर रेस्टोरेंट्स की धूमधाम के चलते आज साइबराबाद के इलाके आराम घर में एक नई अरेबियन फैमिली रेस्टोरेंट दारुल मंदी का इफ्तिताह अमल में लाया गया। बुधवेल रेलवे स्टेशन के खुर्ब में वाक़ इस दारुल मंदी रेस्टोरेंट के इफ्तिताहिया मौके पर कई MLAs, MLCs, महकमा पुलिस के कई आला अहदेदारों के साथ कई सियासी पार्टियों के सरगर्म कारकुनों ने हिस्सा लिया। अपने अजीज व अकारीब की मौजूदगी में मालिकान रेस्टोरेंट सैयद जाहिद और इसहाक बिन हुसैन अल गुतमी ने इस मौके पर आवाम से ख्वाहिश की कि सभी लोगों को तकरीबन जगहों के मज़ों से वक्फियत तो हासिल है, लेकिन अगर एक बार दारुल मंदी का मज़ा हाथ आ जाए तो यकीन जानिए कि सारे ही लोग अपने मज़े को दोबाला कर लेंगे। इन्होंने आगे बताया कि दारुल मंदी रेस्टोरेंट में फैमिलीज के लिए अलग से खसूसी इंतज़ाम किया गया है। सारी दुनिया में भारत को शोहरत दिलाने वाला मामला बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मसले में आज सुप्रीम कोर्ट ने खबर दी है कि इस सिलसिले की सुनवाई 8 फरवरी 2018 को रखी गई है।
لہذا سبھی فریقین کو ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ اپنے اپنے کاغذات کی دوبارہ تنقی کر لیں اور عدالت میں جمع کروا دیں۔ دلی کی پٹیالہ ہاؤس عدالت نے آج خبر دی ہے کہ 2G اسپیکٹرم کیسز کی ساری جانچ مکمل کر لی گئی ہے اور عدالت 21 دسمبر 2017 کو اس سلسلے میں فیصلہ دے دے گی۔